एकदम भूत बन के जाना पड़ता है ऑब्वियसली। व्हाट, मैं बोर हो रही थी तो मैंने क्या सोचा है, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। Hey guys, welcome back to my channel. So basically, आज मैं दिखाने वाली कि मैं अपना इंटर्नशिप कहाँ से कर रही हूँ। So basically, मेरा आज पूरा एक महीना खत्म होने वाला है जहाँ से मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। आज मेरा सेकेंड लास्ट डे है जहाँ पर मेरे को कुछ पेपर वर्क्स करवाने हैं, ऑब्वियसली जो कॉलेज तरफ से मिला है ये सब कुछ भरना है और सर्टिफिकेट्स के लिए भी बात करना है, बहुत सारे काम है आज। और मैं ये इंटर्नशिप बेसिकली GM ऑफिस है वहाँ HR का कर रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया और बेसिकली उतना नहीं है, बट एक होता है ना कि बड़े लोग के साथ काम कर रहे हैं और हम वहाँ पर हे गाइस तो कर नहीं सकते। सो या फिर मैंने सोचा कि मैं लास्ट डे में जब मेरा ख़त्म होने वाला होगा तब मैं थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी, नॉट मच बट थोड़ा रिकॉर्ड करके तो दिखा ही सकती हूँ। सो इट्स अ बेसिकली पूरा मिनी गवर्नमेंट रत्ना कंपनी है। मिनी रत्ना कंपनी है, टोटली गवर्नमेंट नहीं है, बट जो गवर्नमेंट ऑफिस तो आप जानते हो कैसा होता है। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच कि बहुत ही ऑफिस तो ऑफिस वाला होगा, नहीं वैसा नहीं, नॉर्मल कैजुअल ऑफिस जहाँ पर मैं काम करती हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ। सो लेट्स गो, अभी हो रहा है 9:30 हो रहा है, मुझे 9:30 पे निकलना है, सब कुछ हो गया। और मुझे आज लिट्टी खाने का मन था तो मैंने बोला रोनी को लिट्टी लेके आओ, तो लिट्टी लेके आए हैं, हम ये करेंगे और फिर अभी हम निकलेंगे। सो लेट्स गो, यस आई गॉट रेडी, कुर्ती डाला है और फिर पैंट और ये, बस लेट्स गो। बस अब मैं जा रही हूँ, बाय। पूरा एकदम भूत बन के जाना पड़ता है ऑब्वियसली, बहुत ही ज़्यादा धूल है आंटी टाइप्स। या मैं पहुँच गई है रामेरा की जहाँ पर मैं बैठती हूँ। आज इतना डस्ट था भाई कि क्या बोलूँ, मेरे को बहुत गंदा एलर्जी हो रहा है, बहुत गंदा है, थक चुके आज पता नहीं मेरे को कैसा है, तब 2 घंटे से लगातार एलर्जी हो रहा है, पता नहीं डस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे भी बाप रे। मतलब मेरे को अभी तक का सबसे वर्स्ट वाला एक्सपीरियंस अभी रहा है, ऑफिस की बात कर रही हूँ, ऑफिस में अभी तक ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होता था यार, आज ही एलर्जी हुआ। इससे ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती थी यार। ये रहा मेरा बाहर का, आज का दिन ही ख़राब है, मेरा साइन ही नहीं हो पाया भाई, बिल्कुल मेरा साइन नहीं हो पाया क्योंकि कहीं बाहर गई थी मैनेजर SOP। आई एम गोइंग बैक, मुझे यही तो अच्छा लगता है बस, और कुछ भी नहीं। आफ्टर सो मच ऑफ अफरा टफरी हम लोग संडे एबल के घूमने जा रहे हैं, फाइन। आज मेरी इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गया ना कि मैं क्या बोलूँ, लिटरली घड़ी भी लिया मैंने, सब कुछ लिया। अब इस यहाँ जो जितने भी सामान है सब मेरे हैं और पूरे भरे हुए गॉड। अब मैं बताऊँ अभी क्या करने वाली हूँ, मैंने यू नो व्हाट, मैं बोर हो रही थी तो मैंने क्या सोचा है, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। यस आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज, बेसिकली ठीक है ना, मेरे बाल ख़राब हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अपने बालों को थोड़े छोटे कटवा लेती हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरे को कट में तो एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरे क्या बोलते हैं मेरे में इतना नॉइस। हाँ तो बेसिकली आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, मुझे देखना है कि इतने बाल मेरे में सूट करते हैं कि नहीं करते, और मैं बाद में रिग्रेट करती हूँ कि नहीं करती। एक्चुअली मैं बाल कटवाती हूँ ना, मैंने अभी तक बेसिकली सिर्फ 3 बार बाल कटवाएंगे, 2 बार बचपन में, फिर 1 बार उसके बाद जब मैं कॉलेज आई थी, फिर थोड़े से बाल बहुत लंबे थे तो थोड़े से नॉर्मल करवा लिया मीडियम, और अब मैं सोच रही हूँ यहाँ तक करने का, बिल्कुल शोल्डर लेंथ। तो लेट्स सी, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा और कुछ नहीं, मैंने मॉम को बोला एंड दे वर लाइक ओके कटवा लो, क्योंकि मम्मी पापा तो मेरे बचपन से पीछे पड़, पापा नहीं बट मम्मी वॉज लाइक, मम्मी का छोटा बाल है ना तो वो तो हमेशा छोटे बाल के लिए करती थी कि चेहरा छोटा है, बाल लंबा है, वो तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम मैं हूँ, मेरे को मिलता है कि कटवा लो लेकिन मैं कुछ नहीं करवाती हूँ, तो मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट किया जाए। लेकिन मैं रोती भी हूँ तो मेरे को कंडीशन दिया गया कि ऐसे फालतू नौटंकी नहीं होना चाहिए बाद में, तो मैं देखती हूँ करवाती हूँ कि नहीं करवाती हूँ, बट रोनी क्या बोलूँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है मैं। हाँ यू नो व्हाट, आज का शॉपिंग मेरे लिए इतना ज़्यादा हुआ एंड माई ब्रदर वॉज लाइक जल्दी करो, और उसमें मेरे पापा क्या बोले कि फिर पापा वॉज लाइक अभी तो है 1 हफ्ते के लिए, फिर तो चली जाएगी, फिर बेचारी को अकेले मार्केट जाना पड़ेगा, फिर सलून जाना पड़ेगा अकेले, सो है वो अभी तो अभी कटवाने दो, हम लोग हैं साथ में, फिर वो अकेले कहाँ जाएगी, ये वो फुल। और मेरे पापा और मेरा भाई तो बिल्कुल ही क्या बोले, नल्ला साला बोलते हैं ना कि मैं वहाँ पर बोर हूँगा ये होऊंगा, उसका कहने को पता है बेसिकली मतलब क्या था कि तुम लोग जावेद अभी से बाल कटवाओ, मैं ठेले में बैठ के बाल कटवाऊँ, फिर उसको कौन रोका है, छोटा सा तो बाल है, वो छोटे से बाल में 20-30-50 रुपये जितना भी है वो खर्चा करने लायक है ना कि 400, उसका तो छोटा बाल है भाई, हमारा लड़की को बड़ा बाल होता है ना। गाइज आई डिड इट, मैं घर में जाके पूरा लुक देती हूँ, मम्मी ने भी कट कटवाया,
मम्मी वॉज लाइक, मम्मी का हमेशा से होता है कटवाने के बाद ज्यादा छोटा कर दिया, आई मीन खुद का, मेरा केस ही अलग था, मम्मी बोली थी और छोटा और छोटा, हाँ मेरा तो छोटा छोटा कट रहा था मेरा, तो मैं जान निकला जा रहा था, तो मैंने बोला बस इतना ही हिम्मत है मेरी, बस इतना ही कट, और मॉम वॉज लाइक कि कम करो कम करो, एंड आई वॉज लाइक नहीं चाहिए मुझे इतना कम। पता है कब दुर्घटना घट गई मम्मी का? जब हम पापा मेरे को, पापा लोग के पास हम अपना हेयर कट फड़फड़ा के दिखाने गए थे, उतना में वो काट दिया था, काट दिया था। अरे तुमको मेरा कट कैसा लगा बताओ ना रोनी, रोनी के हेयर कट किया, मम्मी बताओ मेरा कट कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, मेरा ना यार, मम्मी का जब वो पूछ रहा था मुझसे तो मैं फड़फड़ा रही थी, मैं अपना बाल पीछे से भी जितना बोला उतना ही काटा है मैंने, तो सही कटवाया था, कुछ ज्यादा छोटा कट गया मम्मी का उसमें क्या, छोटा नहीं कटा है सही कटा है, पता है हेलन सही कटा है। टिपिकली मॉम लोग जब बाल कटवाने के बाद छोटे कट के लंबे कट के बस नाचते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो बाल क्यों कटवाते हैं। One eternity later. Yes guys, yeah, मेरा न्यू लुक ही, मैंने बाल कटवा दिए बहुत ही गट्सी वाली टाइप्स में कटवाई है पीछे का, फिर आगे से इतना थोड़ा वियर्ड दिख रहा होगा अभी दिखने में, बट या आई लाइक दिट, मैंने इतना भी बुरा नहीं सोचा था, इट टर्न आउट क्यूट हुआ है, मुझे तो क्यूट लगा, मॉम डैड को भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना, उसे तो ठीक ही लगा, बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि हम लोग गए थे 1-2 बजे और अभी आ रहे हैं 7 बजे, बहुत ज़्यादा थक चुके सो कुछ बटर नहीं हो पाएगा, बहुत एग्जॉस्ट हो गया भाई, इतनी शॉपिंग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना वापस इसीलिए।